नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 1 जून से लेकर 7 जून के मध्य कैसा बीतेगा आपका ये सप्ताह, हम आपको बताने वाले हैं। यह जो मौका है 7 दिनों का आपको जो मिल रहा है, इसमें क्या शुभ क्या अशुभ हो सकता है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही चीज़ें हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और 1 से 7 तारीख का हम राशिफल आपको बताएंगे, साप्ताहिक राशिफल, ताकि आप आने वाले वक्त को अपने हिसाब से प्लान कर सकें। अब 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा। पहला प्रश्न ये है, उत्तर भी मैं ही दूंगा। पहला प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें कुछ मिलता नहीं है। भाई आप कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं। कौन सी जन्म कुंडली? जो कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे और जो वर्तमान में चल रहा है 2022। जब दोनों का मिलन सही होगा तभी काम आगे बढ़ेगी, गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। अब आप कहते हैं कि मैं अभी अच्छा कर लूं और मेरी पिछली जिंदगी जो मेरी कुंडली थी उसके ग्रह सितारे कमजोर रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको जवाब मिल गया कि आप क्यों पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते, जबकि हम कहते हैं कि आपको ये मिलेगा आपको वो मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई कैसे सही किया जाए। सही करने के लिए आपके पास सिर्फ एकमात्र एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अपनी जो जन्म कुंडली है वो बनवाइए। जन्म कुंडली जब आप बनवाएंगे तो उसमें पूरी आपकी पूरी जिंदगी की कहानी यानी पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब निकल जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, किसको कितनी पावर देनी है, कौन कितना कमज़ोर है, किसको दान करना है, किसको धारण करना है, किसकी मंत्र पढ़ने हैं, पूजा किस भगवान की करनी है, नहीं करनी है, घर में करनी है, मंदिर में करनी है, जो दूध पीना है कि दूध दान करना है, बादाम खाने हैं कि बादाम भगवान को चढ़ाने हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन को संवारती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। तो जन्म कुंडली जब आपकी बन जाएगी तो आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी, और जो आपकी जो जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे उसके भी सितारे मजबूत और वर्तमान के भी सितारे मजबूत, तो गाड़ी भाग जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। देखिए 10 सेकंड और सुनिएगा, फिर अपना राशिफल सुनिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको तो लाभ होता ही होता है, बल्कि आपका परिवार भी सुखी रहता है, क्योंकि आपसे आपका परिवार चलता है, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के खर्चे, आपकी शोहरत, धन दौलत। अगर आप अच्छे मजबूत होंगे तभी तो वो अच्छे होंगे, और आप ही कमज़ोर होंगे तो वो कैसे मजबूत हो पाएंगे, बहुत कम चांस होते हैं। पैसा जोड़िए, लेकिन थोड़ा पैसा ज्योतिष पर भी लगाइए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि ज्योतिष में 1 लगाएंगे तो 10 मिलेगा। और मैं मानता हूँ हर एक क्षेत्र में धोखाधड़ी है, अपनी बुद्धि से लगाइए, सोच समझकर अपनी कुंडली बनवाइए, लेकिन बनवाइए। अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए कुंडली के विषय में तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 7 तारीख के मध्य आपकी जीवन में क्या घटित होगा जून के महीने में। आइए शुभारंभ करें। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, और बात अगर अच्छी लगे तो कभी भी जाके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। आइए अब आपके सप्ताह का हाल हम बताते हैं। बात वृश्चिक राशि की करेंगे। सप्ताह के आरंभ में आपका मूड जो है वो थोड़ा सा कभी बदलेगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी ना अच्छा होगा ना कभी बुरा होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप कुछ जोखिमपूर्ण कार्य कर सकते हैं। कभी आपका मूड अच्छा हुआ तो आप अच्छा काम कर लेंगे, बुरा हुआ तो बुरा काम कर लेंगे, या बिना सोचे समझे काम कर लेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी में आपको थोड़ा सा लाभ होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं सप्ताह में। आप अपने परिवार के साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिता पाएंगे, आपके जो निराशा भरी जिंदगी थी उसमें आशा की फूल खिलेंगे। आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, हालांकि धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सप्ताह के मध्य भाग में यात्राएं फायदेमंद होंगी, शुभ रहेंगी। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राएं, किसी सामाजिक सभा को संबोधित करने के लिए भी आप जा सकते हैं।
या आपको कंपनी की तरफ से जाना पड़ सकता है किसी सेमिनार वगैरह को अटेंड करने के लिए, या किसी सब सेमिनार में आपको संबोधन करना पड़ सकता है, या आप मतलब मेन बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या किसी राजनीतिक पार्टी के आप प्रवक्ता हैं तो आपको बहुत सारी मीटिंगें करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी जगह इंटरव्यू देना पड़ सकता है, यानी लोगों को संबोधित करना पड़ सकता है, यात्राएँ बढ़ सकती हैं। और अगर आप देखा जाए तो आपको भाइयों का समर्थन भी मिल रहा है, और सप्ताह के शेष जो बाकी के दिन बचेंगे उनमें उन्नति के लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय में आपको जल्द सुधार की उम्मीद दिखेगी, अच्छा रहेगा आपका व्यवसाय। वरिष्ठ अधिकारियों से अचानक आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपको अच्छी किताबें पढ़ने का शौक रहेगा। इस सप्ताह में ज्ञान बढ़ाने वाली हर एक उस चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाएंगे जो आपको पसंद होगी, भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। ये सप्ताह कुछ ऐसा काम इस सप्ताह में होगा जिससे भविष्य भी सुरक्षित होगा। 1 जून की बात करेंगे तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सड़क पर चलते हुए सावधानी रखें, हर कार्य को करते हुए सावधानी रखें। मूड स्विंग होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, शुभ काम होंगे लेकिन मूड अच्छा रखिएगा, जीवन साथी से तालमेल बना के रखिएगा। कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचे, किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में दिन ठीक ठाक बीतेगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। 2 जून की बात करें तो थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें ज़्यादा आएंगी, गाड़ी वाहन ठीक से चलाइएगा, एक्सीडेंट के चांस दिखाई पड़ते हैं, सट्टेबाजी में धन का निवेश किया जा सकता है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा, आपकी टांग में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द बढ़ सकता है, अपनी भाषा को अच्छा रखिएगा वरना आज आप किसी से भी बेवजह लड़ झगड़ सकते हैं। मूड आपका बहुत नियंत्रण में रखने की कोशिश करिएगा। 3 तारीख की बात करें तो अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, साझेदारी का व्यापार बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के मामले शुभ परिणाम होंगे, यानी आपके पक्ष में हो सकते हैं कोर्ट कचहरी के मामले। जीवन साथी से अच्छा संबंध रहेगा, ससुराल पक्ष से धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं, आपके बच्चे साहसी होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक चलेगी, आपके जो प्रयास है उसमें आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। 4 जून की बात करें, आपके लिए दिन शुभ रहेगा, आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, आपके जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। भविष्य में ये कड़वाहट आगे ना जाए इसलिए मामलों को आज ही खत्म कर दीजिए तो बेहतर रहेगा, सलाह मशवरा कर लीजिएगा। कोई अशुभ समाचार मिलने से थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है, समाज में अगर आप कोई परीक्षा या प्रतियोगिता देते हैं तो वहाँ पर विजयी हो जाएंगे। अपने ऑफिस के काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आज आप लोगों को संबोधन कर सकते हैं, आज आप लोगों के बीच में जा सकते हैं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक चिंताएं रहेंगी, आज आपकी वाणी सुनकर लोग आपकी काम की तारीफ करेंगे। 5 जून की बात करेंगे, आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे, बच्चों का साथ और सहयोग आपके साथ होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा दिन है, और आज आपके प्रेम संबंध भी सौभाग्यदायक रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ लगाव बढ़ता हुआ देखेंगे, सामान्य स्थिति आपकी बनी रहेगी, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने का मौका आपको मिल सकता है। 6 जून की बात करेंगे तो आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में बहुत अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी से रिश्ते बढ़िया बना के रखिएगा क्योंकि आज आपके बीच में प्यार बहुत बढ़िया बना रहेगा, कोई भी गलती मत करिएगा, बच्चों के व्यवहार से आज थोड़े से आप नाखुश हो सकते हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपकी आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे। बात करते हैं 7 जून की तो आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पा लेंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा जो आपकी कार्य स्थिति को सुधार सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी अब अध्ययन कार्य में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, जीवन साथी के नाम पर संपत्ति या जीवन साथी की तरक्की से आपका दिल खुश हो जाएगा, कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी, जीवन साथी के साथ मधुर पलों का आनंद लेंगे, काम रोजगार अच्छा रहेगा। ये पूरा सप्ताह आपको शुभ परिणाम दे रहा है, आपको करीब करीब 79% शुभ परिणाम मिल रहे हैं और आपके लिए 9 नंबर लकी रहेगा, तो आनंद करिए इस सप्ताह में और मजे का समय है और 80% के करीब करीब आप पहुंच रहे हैं और मजे का समय रहेगा, आनंद का समय रहेगा। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, ग्रहों को मजबूत बनाइए और 100% लाभ ले लीजिए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं और सही उपाय जान सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं यही कहूँगा, आनंद ही आनंद में वक्त बीतेगा, हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें तो बेहतर रहेगा। नमस्कार।